हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ डीके बेबटेक यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लैडर एफएल्स के बारे में। ठीक है, तो लैडर एफएल्स क्या होता है, कैसे बात करते हैं। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में एफएल्स कवर किया था, तो इस वीडियो में लैडर एफएल्स पर बात करेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर में। मैं आ गया हूँ अपने कोड एडिटर में। तो मैं इन फाइलों को डिलीट करके एक न्यू फाइल बनाता हूँ। फाइल को सेव किया और मैं अपने वैम्प सर्वर के अंदर फाइल को सेव करूंगा, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में करता आ रहा हूँ। वैम्प 64 के अंदर, WWW के अंदर, वेक्टर के अंदर। और मैं डाल देता हूँ लैडर इफ एल्स। मैं यहाँ आके फाइल को क्रिएट करता हूँ, टेस्ट डॉट PHP फाइल। ओके, तो मैंने फाइल को क्रिएट कर दी, PHP ओपन कर दिया। और यहाँ आके मैं सिंटैक्स लिखता हूँ, तो मैं पहले कमेंट करके लिखूँगा। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा है, यहाँ के आपको क्या करना होता है, जैसे इफ थी। लेटर एफ एल्स का यूज तब करते हैं जब मुझे मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन चूज करनी होती है। मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और उसके बेस पे मुझे कोई एक कंडीशन चूज करनी है, तब मैं लेटर एफ एल्स का यूज करता हूँ। मैंने बोला इफ, मैंने बोला कंडीशन कंडीशन फर्स्ट। ओके, तो जब कंडीशन फर्स्ट दी, मैंने कहा जब ये कंडीशन ट्रू हो तो मुझे कोड 1 रिटर्न होना चाहिए। फिर मैंने बोला अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एल्स पार्ट में आ जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ आके आप दूसरी भी कंडीशन दे सकते हो। मैंने कहा कि कंडीशन फर्स्ट ट्रू नहीं है तो कंडीशन सेकंड चेक करे, जब ये कंडीशन ट्रू हो तो उसके बेस पे जो मैंने कोड लिखा है कोड 2 रिटर्न हो। फिर मैंने बोला एल्स इफ, मैंने बोल दिया कंडीशन 3 ट्रू हो तो उसके बेस पे मुझे कोई कोड 1 मिलना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा चलो एल्स पार्ट में ही जाए और इसके बेस पे मुझे कोड मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ लेटर इफ एल्स होता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, तभी आपको समझ में आने वाला है। मान लो कि हमने कोई एक करेक्टर लिया, डॉलर मैंने करेक्टर लिया, वेरिएबल लिया, डॉलर CH इक्वल्स टू, मैंने लिया क्या लिया, ए, एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है ना। सेव किया। अब मैंने यहाँ आके कंडीशन दी इफ, मैंने कहा कि मैं देखो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, फाइंड द वोवेल कॉन्सोनेंट। मैं कोई एक करेक्टर डालूँ, वो मुझे प्रोग्राम मुझे बताए ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से बनाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ के इफ लगा, मैंने बोला CH डॉलर CH इक्वल्स टू ए, मैंने बोल दिया डॉलर CH इक्वल्स टू ए हो तो मुझे इको हो जाना चाहिए वोवेल। ओके, मुझे क्या इको हो जाए, वोवेल डॉलर ए डॉलर CH कॉन्केनेट इज वोवेल। ओके, इसी टाइप से मैं क्या करूँगा, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ कॉपी किया और यहाँ के पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। इसी टाइप से मैं फिर से कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ के मैं बोल दूंगा ई आई ओ यू। तो मैंने पांचों कंडीशन दे दी। अब लास्ट कंडीशन मेरे पास एक बच रही, कोई भी एक कंडीशन, जितनी आप कंडीशन देना चाहो उतनी दे सकते हो। मैंने बोला कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ आके आ जाए एज कॉन्सो। ओके, सेव किया प्रोग्राम को। अब देखेंगे यहाँ आया, इसका क्लोज ये, इसका क्लोज ये एंड ये एक एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ के मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब सेव किया, इस फाइल का कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ आया और यहाँ आके मैंने फाइल को पेस्ट किया और यहाँ आके वही 127.0.0.1 एंटर किया।
उसके बाद आपको आउटपुट मिला ए गोपिल। देखो यही तो मैंने करेक्टर डाला ए। ओके हम यहाँ आके ई करते हैं, ई करते हैं, सेव करें। आप चेक करोगे ई इज गोपिल। अब मैं यहाँ का कोई एक करेक्टर चेंज कर दें, आर कर दें, तो यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा आर इज कॉन्सोनेंट। क्लियर ना? तो इस टाइप से हमारा लैटर रिफरेंस होता है, और आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।